किदम फिर चल रही है सारे की ज़िंदगी कमेंट करके मैं दसो अच्छा जी आज का व्लॉग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि मैं कल वाला जो जिन्होंने व्लॉग देखा उन्हें तो पता ही होगा कि मैंने बोला था कि मैं जो हूँ वो एक रेसिपी के साथ आऊँगी तो थोड़ी सी रेसिपी है बाकी पूरा व्लॉग है उसमें अलग अलग मतलब क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही आज का वैसे जो व्लॉग है वो काफ़ी फ़िलासफ़िकल भी होगा तो आप लोगों ने पूरा देखना है किसी को अगर फ़िलासफ़िकल बातें पसंद हैं तो देखें अब खाना पीना ये वो तो सारे कर भी रहे होते हैं चलो ठीक है व्लॉग आ रहे हैं तो शूट भी कर रहे होते हैं लेकिन अगर कोई अच्छी बात जो है वो बंदा करे और किसी को सुनने के लिए मिल जाए अगर उसको उस चीज़ से सबक भी मिल जाए और वो भी उस पर अपना मतलब वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें तो इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ कुछ नहीं हो सकती बंदा बस सिर्फ अकेले बैठ के व्लाग बना रहा हूँ और बस व्लागिंग करके और इंतज़ार कर रहा हो कब मुझे जो है वो व्यूज़ आएंगे और ये होगा वो होगा तो मैं थोड़ी उस टाइप की बंदी नहीं हूँ इसलिए मेरे व्लाग्स में जो है वो थोड़ा फिलोसफिकल टच भी मिलेगा जिन्हें नहीं पसंद तो फिर उनकी मर्जी है लेकिन जो वो मेरी नेचर है तो फिर वो तो दिखानी है ना खैर मैं पहली रेसिपी की बातें करूँ कि रेसिपी में क्या क्या शेयर कर रही थी मैं जो सारा मैंने आप लोगों को दिखाया ना कि वो चीज़ ये क्या है जिनको कल वा, वा, वाले ब्लॉग का पता है तो उसमें मैंने बताया था कि पास्ता जो है जब खा रहे थे जितने भी वेजिटेबल बच गए थे उसमें से तो उनको पकड़ के मैंने क्रश किया ठीक है फॉर्क से किया मैंने मैंने कोई वो चॉपर वगैरह यूज़ नहीं किया इससे क्रश हो गया था और उसके अंदर मैंने प्याज वो श्रेड करके डाला है ठीक है एक पूरा प्याज डाला था फिर उसको अच्छा सा मिक्स मिक्स किया उसके अंदर मैंने जीरा डाला था नमक डाला था हल्की सी जो है वो चाट मसाला भी मैंने डाला था ठीक है उसको रखा मैंने दस मिनट के लिए अब मिक्स करके फिर उसके बाद ये सारा प्रोसीजर तो आप लोगों को पता ही है कि क्या क्या करते हैं फिर उसका हम लोग इस तरीके से बनाते हैं कुछ लोग ऐसे बनाते हैं कि एक ही पेड़ा बना के उसमें ये सारा मिक्सचर जो है वो ऐड किया फिर उसके बाद उसको गोल करके बेल दिया तो मैं लेकिन दो बनाती हूँ एक पहली लेयर लगाती हूँ फिर उसके ऊपर जो है मिक्सचर की लेयर लगाई फिर दोबारा से आटे की लेयर लगाई फिर अच्छे से उसको बेल के गोल गोल करके फिर तवे पर डाला और पका छका डाला ठीक है जी ये मेरा है पूरा है और आप लोगों को दिख भी रहा है साथ साथ आप लोग ये करके देखिएगा लेफ्ट ओवर जो रह जाता है बजाय इसके कि उसको फेंकना है वेजिटेबल को उसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं अगर मतलब घर में अगर कोई छोटे बच्चे अगर वो वेजिटेबल ऐसे नहीं खाते तो उन्हें ऐसे खिला के देंगे ठीक है वैसे मैं एक ही सांस में कितना बोल जाती हूं यार हैरान हो रही हूं लेकिन ऐसा ही हूं मैं तो बस ठीक है वैसे ही ठीक है अच्छा जी बात मैंने करनी थी वैसी तो बड़ी लंबी चली जाएगी मैं छोटी सी करूँगी कि कुछ लोग कहते हैं कि हम लोगों को ना मेहनत पे बड़ा यकीन है और जो जितनी मेहनत करता है उसको इतना ही मिलता है मेरा मेहनत पे कोई यकीन नहीं है मुझे लगता है और मेरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है जितनी चीज़ों में मैंने मेहनत की है ना मुझे वो कभी भी नहीं मिली लेकिन मुझे जो है उनके बदले में बहुत कुछ सीखने के लिए मिल जाता है और वो सारी चीज़ें मुझे मुझे लगता है अब मुझे बहुत काम आ रही हैं ठीक है तो मेरा कोई यकीन नहीं है मुझे अल्लाह पर यकीन होता है कि यार ये चीज़ अगर नहीं भी चलेगी तो मेरे अल्लाह को पता है कि उसने मुझे किस चीज़ के लिए बनाया और मुझे वहाँ तक ले जाए

सारी मैंने आप लोगों को डिटेल में बना के दिखा दिया इसके साथ हम अचार खाएंगे और बस मैं तत्तों के साथ खाना है इसलिए मैं शूट नहीं कर सकती क्योंकि तत्ता बोलती है हर चीज़ तुमने शूट करनी है मुझे सुकून से खाना खाने दो तो उसे मैं आज सुकून से खाना खाने दूंगी पराठा खाने के बाद जो है मैंने कुरान पढ़ा था कुछ देर और उसके फिर कुछ देर के बाद जो है वो मैंने योगा किया था और फिर उसके बाद मैंने दूध लेकर आई थी और दूध पिया था दूध के अंदर जो है वो मैंने वो जो रूह अफज़ा होता है वो ऐड किया हुआ था रूह अफज़ा अच्छी चीज़ नहीं है नहीं पीनी चाहिए लेकिन अच्छा लगता है मुझे तो मैं पीती हूँ अब मैंने छोड़ने की कोशिश करनी है कि मैं दूध को वैसे ही लिया करूँ वो ज़्यादा हेल्दी होता है तो पहले मेरी फ्लैश ऑन थी उससे ना ऐसा लग रहा था कि मैं वाइट पी रही हूँ तो मैंने ऑफ किया आप लोगों के लिए सिर्फ दिखाने के लिए ये पिंक पिंक था अभी मैं आ गई हूँ ऊपर छत पे और मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये ग्लिम्स शेयर करूँ इतना ख़ूबसूरत मौसम हुआ है और बादल ये वो एक तो मैंने कल ही आयत जो थी कुरान में पढ़ी थी बादलों से रिलेटेड तो जैसे ही मैं आई ना मेरे दिमाग को वो आयत आई है कि यार बहुत ख़ूबसूरत लग रहा है माशा देखिए यार। वहाँ पे ग्रीनरी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा है जिधर जाओ वहाँ पे ट्रीज़ और ट्रीज़ और ट्रीज़ हैं और मेरी यूनिवर्सिटी में भी यही था आई थिंक बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में प्राइवेट नहीं जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर अब मुझे बाक़ियों का पता नहीं लेकिन मेरी यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा थे मेरी मतलब मैं, मैंने नहीं बनाई हुई <laughs> लाइक गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा है बहुत ज़्यादा ट्रीज़ हैं बहुत ख़ूबसूरत भी लगती है और यहाँ पर भी ये चीज़ बहुत अच्छी है यार खैर जी हम अपने वालों का ख्याल तो ज़रा रख लें इनका हाल बेहाल हुआ हुआ है ये वाले ये वाला जो है इसका कलर हम्म हम्म लेकिन जब ये आता है ना दोबारा से वापस अति सुंदर होकर वापस आता है ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ये देखें ये फ़ोल्ड हुए ना इतना प्यारा इसका आता है लुक अगर मैं दिखा सकती हूँ सही से तो सही से दिखाती हूँ ये कितना ख़ूबसूरती से फ़ोल्ड हुआ है मतलब ड्राई भी हो जाए तब भी ख़ूबसूरती तो नहीं जाती उसकी और जब भी वापस आते हैं रीग्रो करते हैं ओ हो 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 और लेमन बड़े बड़े हो चुके हैं इनकी जो मिट्टी है वो गीली है आई थिंक इसने पानी दिए दिया है भाई आए होंगे ऊपर भाई ही दिया होगा क्योंकि इनकी मिट्टी तो गीली लग रही है भाई आए पक्का पक्का अगर तो चिड़िया को खाना मिला हुआ तो इसका मतलब फिर तो वैसे तो अभी भी पक्का है कि है आए होंगे क्योंकि वरना मिट्टी गीली नहीं होती लेकिन पानी नहीं दिया मैं देती हूँ पानी चिड़िया बहन को हम देंगे पानी जी थोड़ा समय कौआ भैया का नाम लिया वो उधर बैठा हुआ है इधर पिजन बैठे हुए हैं ये देखो एक और बैठा हुआ था बोढ़िया एक्चुअली मैं आप लोगों को दिखाने आई थी दस से ट्रीज ये देखें अगर आपको वो पीछे जितने भी वो ब्लैकनेस नज़र आ रही है ना हल्की हल्की वो सारे ट्रीज हैं मैं ये दिखाने के लिए आई थी बस और ये इधर तक जाते जाओ ट्रीज हैं ट्रीज सारे हाय हाय ये इतना ब्लर हो जाता है अच्छा जी मैंने ना ब्यूटी के साथ एक वर्ड यूज़ किया है रफ़नेस तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आई है कि उसके साथ मैंने अगलीनेस क्यों नहीं किया क्योंकि उसका ऑपोजिट वही होता है तो मैंने वो इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे नहीं लगता कि दुनिया की कोई भी चीज़ कोई भी चीज़ जो है वो अगली हो सकती है और मुझे एक ये भी मैंटेलिटी कभी समझ नहीं आई और अलग ना ही आए कि जब लोग कहते हैं कि जी उन्हें काला रंग पहनना बड़ा पसंद है लेकिन जब वो किसी शख्स को देखते हैं जिनका कलर जो है वो थोड़ा डार्क होता है ब्लैक लोग भी जो होते हैं उनको वो पूरी उनमें रेसिज्म छा जाती है हर तरह से और उन्हें काला रंग तब खूबसूरत नहीं लग रहा होता ये पता नहीं ये क्या चीज़ है इंसान में जो भी चीज़ अल्लाह ने बनाई है वो अपने तरीके से बेस्ट है बेस्ट अच्छा मुझे में ना फिलोसफिकल रूह कभी कभी जाग जाती है तो जितने तो लोग मुझे देख रहे हैं ना वो यही सोचेंगे बड़ी फिलोसफ़ी मारती है इसमें मैं अपने आप को हेल्प आउट नहीं कर सकती क्योंकि ये मेरी दोस्तें भी कहती रहती थी बहुत फिलासफिकल बातें करती है तो मैंने कहा हाँ भाई शौक है क्या करूँ चलें जी ये हम वापसी की राह पकड़ते हुए अब मेरा लियो नहीं वेट कर रहा था क्योंकि वो होता है रूम में शहजादा बंदा है। गर्मी है ना तो अब नहीं एहसास होना उसे किसी का पहले पीछे पीछे आता था आज जो है मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ पानी पी रही हूँ और टीवी जो है वो नहीं चल रहा ऐसे ही जो है वो बंद ही है लेकिन हम लोग टीवी बहुत कम देखते हैं यार इतना ज़्यादा देखते भी नहीं है जब सारे साथ बैठे हो ना फिर कुछ ना कुछ लगा लेते हैं देखने लग जाते हैं भाभी देख लेती हैं टीवी इससे ज़्यादा हम लोग याद तो मोबाइल पे होते हैं या लैपटॉप पे होते हैं हमारे यही काम है और मोबाइल पे भी अच्छा लोग मोस्टली जो है लोग ऐसी बातें कर होते हैं यार जो लोग ज़्यादा मोबाइल देख रहे होते हैं मतलब जो आजकल की जनरेशन है पढ़ी लिखी वो तो ऐसी बातें नहीं करती लेकिन ओल्ड जनरेशन मैंने देखा है वो जब किसी के हाथ में बच्चे के हाथ में मोबाइल देते हैं उनको लगता है ऐसे ख़राब ही होना है लेकिन आई थिंक आजकल जो है जिसको मोबाइल नहीं यूज़ करना होता वो बहुत बहुत बैकवर्ड है क्योंकि आपको मोबाइल बहुत ज़्यादा इसमें अब इतना नॉलेज है यार मैंने तो अपनी ज़िंदगी में इवन कि मैंने अपने नोट्स भी तैयार करने होते हैं ना किसी भी टॉपिक पे तो मैं सारी हेल्प मैंने इंटरनेट से लेनी होती है सारी इन्फॉर्मेशन जो है जो है इंटरनेट पे तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इंटरनेट पे नहीं है और आप लोग जो सीखना चाहते हैं वो वहाँ से सीख सकते हैं या आपके हाथ में होता है कि आपने किस चीज़ को कैसे यूज़ करना है ये मैंने देखा है तो खैर लेकिन आज जिस बंदे के हाथ में मोबाइल देखते हैं तो लोग समझते हैं शायद ऐ तो वेला ही बंदा है वेला नहीं होता वो ज़्यादा काम वाला बंदा होता है आजकल तो सब लोग जो है वो मोबाइल पर क्या क्या करना है क्या नहीं करना सब कुछ सीखे है कि नहीं भाई हम तो हैदराबादी <laughs> तो सीख रहे भाई कह रहे आजकल तो हम हैदराबादी सीख रहे खैर भाई ये ना, वो लोग आपको बोले ऐसे नहीं बोलते हम लोग रे, अच्छा जी ठीक है सीख लेंगे <laughs> ये आगे हम किचन में मैं आप लोगों को जरा दिखा दूँगा आज क्या बना हुआ है आज जो है वो ये चावल बने हैं साथ में जो है वो लोबिया बना हुआ है और दूध हमने गर्म करके रख दिया है यहाँ पे और मैंने चाय बनाई थी वो जाके हम लोग सब बैठ के अभी पी रहे हैं अभी मैं लेने आई थी आ, लीची और साथ में अपनी चाय गर्म करी थी और तत्तो के लिए अभी ये लीची लेकर जानी है आ, ये यहाँ से इसका बना हुआ है अब मैं जरा कट करू फिर दिखाती हूँ ये मैंने जो है वो कट कर लिया इसका अब मैं ले लूँ एक प्लेट और तरक्की प्लेट अब जितनी चाहिए ना वो निकालूंगी कितनी अच्छी लग रही है तत्तू ने कहना है तो मैं ऐसे ही उठा के ले आई हुई है मैं जरा निकाल लेती हूँ पत्ते छत्ते और वो लेकर जाऊंगी ये लीची मैंने ले ली है अपनी चाय भी मेरी हो गई गर्म मैं इसको लेकर जाऊंगी मैंने थोड़ी ज़्यादा ले ली है क्योंकि तत्तू के साथ जो है वो भाभी भी बैठी हैं तो वो भी खा लेंगी ये मेरा डिनर टाइम था आज मैंने वैसे थोड़ा शूट कम ही किया है लेकिन मेरी अम्मी भी कल मैंने अम्मी से पूछा अम्मी आपको मेरी व्लॉगिंग कैसी लग रही है आपने मेरा ब्लॉग देखा है तो अम्मी मुझे कहती हैं कि हाँ ठीक है तुम तो खाना शाना ही दिखाती रहती हो ज़रा कुछ और भी कुछ किया करो तो आज भी लेकिन मैंने खाने की बनाई लेकिन मैंने आगे आप लोगों को आने वाले ब्लॉग्स मेरा इन शाला और भी चीज़ें देखने को मिलेगी खैर ये वाला ब्लॉग जो है मैं इधर ही एंड करती हूँ आप लोगों ने जो है वो अपना बहुत सारा ख्याल रखना है टाटा बाय बाय अल्लाह हाफिज़